वेल हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है त्रिशता चक्रवर्ती एंड यू आर वॉचिंग अपनी बायो सिस्टर। तो आज हम लोग बहुत ही रियलिस्टिक बात करेंगे कि अभी हम लोग को क्या करना चाहिए। सो उससे पहले लेट मी अपडेट यू विद द मोस्ट रीसेंट न्यूज़ जो भी आया है इस मोमेंट पे अभी हमारे पास। फर्स्टली आया है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से। सो सुप्रीम कोर्ट का हम ज़रा तुम्हें बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे बारे में ये नहीं बोला कि रीनीट करवाना है कि नहीं करवाना है, रीपब्लिश करवाना है या नहीं करवाना है, ये सब कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिंपली बोला है कि काउंसलिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। क्या स्टॉप नहीं होनी चाहिए? काउंसलिंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, काउंसलिंग स्टॉप नहीं होगा। यानी कि जिन लोगों को एलिजिबल मार्क्स मिल चुके हैं, दे शुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर कॉलेजेस, एंड इवन हु हैव नॉट गॉट द एलिजिबल मार्क्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट सीट, दे शुड ऑल्सो गो फॉर द सर्च ऑफ देयर कॉलेजेस इन देयर ओन स्टेट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया। हाई कोर्ट बता रहा है कि भैया हम तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे तुमको। यानी कि मैं सिंपल से बताऊँ तुम्हें तो जुलाई 8 या 5 से पहले तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलने वाला है कि होगा क्या और नहीं क्या नहीं होगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता चलने वाला है कि जुलाई 5 से या 8 से पहले कि वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं। उन्होंने एनटीए से बस इतनी मांग की है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था, जो पेपर अगर लीक हुआ था उसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एनटीए को करने बोला है, पर देखते हैं एनटीए इस काम में कितना ही सक्सेसफुल होता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि व्हाट शुड वी डू नाउ। ठीक है, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, शुड वी गो फॉर अ ड्रॉप और शुड वी गो फॉर अ पार्शियल ड्रॉप। तो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन एंड वेलकम यू ऑल टू द मोस्ट रियलिस्टिक एंड द मोस्ट हार्श वीडियो यू विल एवर फाइंड ऑन द इंटरनेट, वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ ऑफ बिकमिंग एन MBBS डॉक्टर एंड ऑल्सो द ट्रुथ ऑफ बींग ऑन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन MBBS डॉक्टर। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे प्लान से। देखो, वी ऑल नो हमारा जो प्लान है वो बहुत सिंपल है। प्लान तो इतना है कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आज के डेट पे, आज की सिचुएशन, अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है तो, मैंने कहा कि सिचुएशन अगर नॉर्मलाइज नहीं होती है तो हमें 650 तो लाने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट सीट के लिए। अब हम लोगों को पता है कि हर साल का शगुन होता है कि इस बार अगर हमारे पास 650 मार्क्स है तो उसे एटलीस्ट 680 मार्क्स तो बनना ही है नेक्स्ट ईयर। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे मार्क्स इस मोमेंट पे 650 है, 2024 की बात कर रही हूँ मैं, तो 25 में वो मार्क्स बढ़ के 680 हो जाएगा। ठीक है, 2025 में ये 680 हो जाएगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि 680 एक स्ट्रेच टाइम में उठाना इतना ज़्यादा आसान होता है? मैं नहीं बता रही कि इम्पॉसिबल होता है, वरना ये एम्स वाले कैंडिडेट आते कहाँ से? क्योंकि एम्स वाले कैंडिडेट वंस अपॉन अ टाइम इन्हें तो एम्स मिल जाता था। एक दौर ही ऐसा था, एक दौर क्या, मैं जस्ट 2023 की बात कर रही हूँ तुमसे, तब तो 650 प्लस भी एम्स मिलता था। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? अग्री विथ मी। 2023 का भी एक टाइम था जब 650 में हम लोग को एम्स मिलता था। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम 680 उठा के लाओ, पर हाँ, 680 उठाने के लिए मेहनत और डिटर्मिनेशन दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये लगता है कि हमारी डिटर्मिनेशन थोड़ी कम है, सी वेरी रियलिस्टिक, डिटर्मिनेशन कम होना कोई पाप नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि डिटर्मिनेशन कम होना पाप नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ड्रॉप मार रहे हो, और ड्रॉप तो 1, 2, 3, 4 साल का भी हो सकता है। इतने में तुम्हारी हिम्मत भी तो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे। देखो, हमारे पास बचते तो दो ऑप्शन हैं अगर हमें 650 मिल जाते। एक होता है कि हमें 600 मिले हैं तो हमें स्टेट गवर्नमेंट सीट मिलेगा, और अगर हमें 655 के ऊपर मिला है तो हमें गवर्नमेंट सीट राउंड 1 में अलॉट हो जाएंगे। यानी कि मेरा सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें राउंड टू में तुम्हें 650 प्लस या तो 640 प्लस पे भी मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं। मैं इस साल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दूसरे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ईयर की, तो मैं मान के चलती हूँ, नहीं इतना ज़्यादा, इतना कम तो नहीं होगा, वेट, मैं मान के चलती हूँ कि तुम्हारा 630 हो जाएगा शायद स्टेट के लिए,
और 680 हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जस्ट एन रफ आइडिया, ठीक है। अभी बहुत लोग डर जाएंगे ये सुन के कि ये क्या बोल रहे हो दीदी आप, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, इतना ज़्यादा अगर कट ऑफ बढ़ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है ये तो हम भी सोच रहे कि कैसे होगा ये सब चीज़ें, पर ज़्यादा सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर हम लोग एक्शन और रिएक्शन को सही टाइम पे प्रोपोर्शनल कर दें, अगर हम लोग प्रिपरेशन को सही टाइम से स्टार्ट कर दें तो शायद ही कुछ हो सकता है ना, हो सकता है अगर टाइम से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाए तो। तो इसीलिए मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, टीचर्स का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सिंपल सी बात है, मैं बस इतना ही बोल रही हूँ कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। अब एक बड़ी दुविधा पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, फुल ड्रॉप दे या पार्शियल ड्रॉप दे। आई नो ये क्वेश्चन आज के डेट पे सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता। अगर मैं नॉर्मल ईयर के हिसाब से चलती तो मैं फिर भी बोलती कि हाँ तुम ड्रॉप ले लो अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, अगर नॉर्मल ईयर के हिसाब से चलती। पर ये ईयर्स एक्सेप्शन है क्योंकि 650 प्लस हमारा कट ऑफ है गवर्नमेंट के लिए, तो अगर इतना हाई कट ऑफ है तो इतना हाई कट ऑफ हर किसी को मिले ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। देयर आर 25 लाख स्टूडेंट्स, आई एम नॉट मेकिंग यू स्कैड, आई टोल्ड यू, आई वेलकम यू टू द मोस्ट हार्श वीडियो यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम मी अबाउट नीड कॉन्टेंट, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग यू दैट देयर आर 25 लाख स्टूडेंट्स एंड इन देम 650 प्लस आर गोइंग टू गेट सिलेक्ट एंड दो 650 आर नॉट मोर देन 13 लाख। यस, 650 कितने कितने लोग ला रहे हैं, मैं तुम्हें हिसाब करके बोलती हूँ। 650 इस साल एक्सेप्शनली 13K लाए, सॉरी डिड आई से 13 लाख, सॉरी आई एम सो सॉरी, 13K इस बार 650 ला पाए हैं, ठीक है, वो ग्रेस से हो, हाँ ग्रेस का तो मैटर है ही, ग्रेस मार्क्स पे तो बाद में बात करते हैं हम लोग, ग्रेस का मैटर बाद में देखते हैं। अभी के लिए जस्ट ये सोचो कि ये मार्क्स सिर्फ 13,000 बच्चे अक्वायर कर पाए। तुम बोलोगे आधा तो फेक है दीदी, हाँ मैं मानती हूँ आधा फेक है, और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर नेक्स्ट ईयर पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे वेरिएशन दिखने को मिला तो कट ऑफ हाई या लो दोनों ही जा सकती है, पर अगर इसी लेवल का पेपर बन रहा है देन आई कैन श्योरली से 680 तो कभी ना कभी कट ऑफ बन ही जाएगी एंड यू कैन नॉट हेल्प दैट थिंग। हाँ ये बात तो अचानक से हमारे सामने आ गई इसीलिए हम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, बट व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ सेइंग दिस थिंग, है ना। तो आज के डेट पे मॉरल ऑफ द स्टोरी तुम्हें क्या मिल रहा है कि रैंक भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रैंक के बेसिस पे ये देखा जा रहा है कि तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर सबसे बड़ा रियलिटी है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तुम खुद बताओ हाथ में है क्या, रैंक हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हाथ पे क्या है, हमारे हाथ पे स्कोर है, यस स्कोर है हमारे हाथ पे, और 680 हमें चाहिए गवर्नमेंट सीट को कंफर्म करने के लिए। मैं नहीं बोल रही कि 650 में सीट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट पे, कर क्या गारंटी है कि मिल जाएगा गवर्नमेंट पे 650 में सीट। मैं बोल रही हूँ अगर पेपर डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहा तो 650 में कतई नहीं मिलेगा, ठीक है। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू कि पीछे हट जाओ, मत करो, मत जाओ इस फील्ड में, ये नहीं बता रही हूँ। मैं बस इतना बता रही हूँ कि करप्शन इस लेवल पे बड़ा है कि अगर तुम्हें ऑनेस्टी के साथ स्कोर करना पड़े तो तुम्हें कितना ऊंचा स्कोर करना पड़ेगा, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट, ठीक है। तो 680 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा 2025 में, अब तब जाके हमारा गवर्नमेंट सीट कन्फर्म होगा। अब मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कह रही हूँ, फुल ड्रॉप तब होना चाहिए जब तुम्हारा डिटर्मिनेशन ओनली MBBS में है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला फुल ड्रॉप तभी लो जब तुम्हारी डिटर्मिनेशन सच में MBBS में है, ओनली MBBS में है, तब तुम लो पूरा का पूरा फुल ड्रॉप। बट फुल ड्रॉप के अपने ही कुछ अलग अलग डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसके लिए आई नेवर एवर रिकमेंड अ फुल ड्रॉप, बिकॉज फुल ड्रॉप ड्रेन्स द एनर्जी ऑफ अ स्टूडेंट। I'm totally very 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 honest today. Full drop student ki energy drain karti hai, student ki energy ko
ड्रेन करती है. नाउ इट कैन बी पॉसिबली एनी रीज़न कैन ड्रेन योर एनर्जी राइट नाउ. सी आफ्टर सीइंग सो मच ऑफ, देखो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फुल ड्रॉप दे के बैठे हैं और वो इतना करप्शन देख के उसकी एनर्जी और भी डाउन हो गई है, उनकी एनर्जी और भी डाउन हो गई है. एंड यू अग्री विथ मी, इफ़ यू आर रियली अ ड्रॉपर, यू विल अग्री विथ मी कि तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रही है कि नहीं भैया मुझसे ये एग्ज़ाम और क्रैक नहीं होने वाला है. सेम ही दैट, हाँ क्रैक मतलब हो रहा है ऐसा तुम्हारे साथ, आई नो वेरी वेल कि ये हो रहा है, ठीक है. तो इसीलिए फुल ड्रॉप और पार्शल ड्रॉप की अगर तुम मुझसे राय मांगो तो मैं बोलूँगी ऑब्वियसली पार्शल ड्रॉप इज़ बेस्ट. पार्शियल ड्रॉप इज़ बेस्ट. क्यों? क्योंकि पार्शियल ड्रॉप अगर रहेगा तुम्हारे हाथ पे एक प्लान बी रहेगा, ठीक है. उसके बाद मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने चलो ड्रॉप मार लिया या तुमने पार्शियल ड्रॉप मार लिया, नीट 2025 का एग्ज़ाम ओवर भी हो गया, उसके बाद अचानक से कुछ तो गलत हो गया एंड तुम्हें चांस नहीं मिला, तो मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बचने चाहिए इसके बाद, ठीक है. तो अगर क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बचने चाहिए, अगर कुछ भी गलत हो गया, अगर मुझे गवर्नमेंट सीट अलॉट नहीं हुई, तो मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव रीज़न है, चलो उसके बारे में बात करते हैं. पहला तो है मेरे पास स्टेट कोटा. पर स्टेट कोटा भी हमें 600 के ऊपर मार्क्स चाहिए स्टेट कोटा को अक्वायर करने के लिए, ठीक है. स्टेट कोटा में आने के लिए भी हमें इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है. अब मैं तुम्हें और एक चीज़ बता दूं कि स्टेट कोटा में ऑलमोस्ट 23 लाख का खर्चा है 5 सालों के लिए. मैंने क्या बोला, स्टेट कोटा में 23 लाख का खर्चा है 5 साल के लिए. इसके बाद आता है मैनेजमेंट कोटा. मैनेजमेंट कोटा के लिए हमें क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, जो जनरल के लिए तो 137 होती है और एसटी आते आते कुछ 128 प्लस मार्क्स रहती है. ये तो एक जस्ट मतलब क्या बोलूँ, क्वालिफाइंग मार्क्स है. क्वालिफाइंग मार्क्स कहते हैं इसको. एक मार्क्स होता है सिलेक्शन लाने के लिए, एक मार्क्स होता है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जो काउंसलिंग में बैठ सकता है. तो ये तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स है जो मैंने तुम्हें बताया इस मोमेंट पे, इसके वजह से तुम काउंसलिंग में बैठ सकते हो. तो अगर तुम मैनेजमेंट कोटा पे जाते हो तो तुम्हें 137 के ऊपर मार्क्स चाहिए, ठीक है, तभी तुम मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल हो. इवन नॉट मैनेजमेंट कोटा, तुम्हें अगर MBBS अब्रॉड करना है, NRI स्पॉन्सरशिप कोटा में जाना है, हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 CR तक खर्च हो सकता है. मैंने बोला मैक्स टू मैक्स 1 CR या 1 CR से भी थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है, ठीक है. अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ देन यहाँ पे वैरी करता है 20, 30 या 40 लाख तक वैरी करता है, कभी कभी तो 60 लाख भी हो जाता है, ठीक है. MBBS में, MBBS अब्रॉड में यही होता है. एंड आई डोंट नो व्हाई आई नीड टू से दैट दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर इनफ ब्रेव टू स्टे आउटसाइड द कंट्री, ठीक है. NRI स्पॉन्सरशिप कोटा नॉट फॉर एवरीबडी, एवरीबडी डजेंट गेट्स द कोटा. उनको मिलता है जिनका कोई भी रिलेटिव NRI हो या उनके मम्मी पापा किसी भी एक टाइम पे NRI थे, तो उन लोगों को ये कोटा मिल जाता है. और इस कोटा में भी उन लोगों को ऑलमोस्ट, अगर ये कोटा उन्होंने अक्वायर किया है फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, देन उनको थोड़ा बहुत एक्सपेंस तो झेलना ही पड़ेगा. टेन से ज़्यादा 40 शायद से, हाँ कुछ ऐसा तो एक्सपेंडिचर होता है. तो मैंने तुम्हें टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी वाकिबल कर दिया ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि हाँ सिचुएशन क्या है और काम कैसे करना पड़ेगा. दिस इज़ अ वेरी गुड गाइड वीडियो एंड द पॉसिबली हार्शेस्ट, आई टोल्ड यू दिस इज़ द मोस्ट हार्श वीडियो यू विल एवर फाइंड अबाउट दिस होल नीड कॉन्टेंट. तो टोटल एक्सपेंडिचर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है तुम्हारा. तो इसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि अगर तुमने MBBS नहीं किया, अगर सपोज तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे MBBS नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा और कोई फ्यूचर बनने वाला है, तो फिर मैं क्या करूँ, ये भी एक क्वेश्चन है भैया कि फिर मैं क्या कर लूँ. तो एक तो होता है कि मैं मेडिकल फील्ड में ही रहूँ, यानी कि मुझे MBBS नहीं करना है पर मेडिकल फील्ड में रहना है. दूसरा होता है कि अदर कोर्सेज कर लूँ. अदर कोर्सेज के लिए CUET नामक एक एग्ज़ाम होता है जो तुम्हारे नीट के बाद ही होता है. 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है तुम्हें स्ट्रेच फॉर रिविजन एंड ऑल, एंड द सिलेबस इज ऑल्सो सेम, ओनली 12th का सिलेबस ही आता है. तो इसे तुम दे के इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो. ये भी NTA द्वारा ही, सॉरी
ये एनटीए द्वारा कंडक्ट होती है, ये भी एनटीए द्वारा कंडक्ट होती है। आई डोंट नो कि इसमें उन्होंने कितना ज़्यादा स्कैम करके रखा है, पर ये भी एनटीए द्वारा कंडक्ट होती है। तो तुम इस एग्जाम को भी अक्वायर कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट नीट 2025, बिकॉज 24 वालों ने ऑलरेडी सीयूईटी दे दिया है, ठीक है, उनका रिजल्ट आना बाकी है सिर्फ। तो मेडिकल फील्ड की अगर बात करें तो बहुत सारे हैं तुम्हारे पास। आई एम सीइंग यू सम ऑफ द ऑप्शंस। फर्स्ट इज बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, बीएचएमएस एंड बीएएमएस। इन सब के लिए तुम्हें नीट में अपियर होना चाहिए, नीट अपियर कंपलसरी। अगर तुम नीट में अपियर कर जाते हो तो तुम्हें ये सारे के सारे मिल सकते हैं। उसके साथ और एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, विच इज़ पैरामेडिकल। इसके साथ मैं अगर ऐड करूँ तो पैरामेडिकल भी ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने पैरामेडिकल को भी ऐड किया इसके साथ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है जो तुम एमबीबीएस के अलावा भी कर सकते हो, और इसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है जो जितना एमबीबीएस में होता है। इसके लिए कुछ सर्टेन क्वालिफाइंग कट ऑफ्स रहती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखी है। मैं उस वीडियो का आई पिन बटन में डाल देती हूँ ताकि तुम उस वीडियो को भी चेकआउट कर सको। ओवरऑल मैंने तुम्हें एक हार्श प्लान दिया कि क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई बात है, मैं अभी बोलूँगी स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन जितना डीले होगा उतनी तुम्हारी सिलेक्शन की चांसेस ना बहुत कम होती चली जाएगी। अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो इट्स पॉसिबल कि यू कैन स्कोर अप टू 650+। एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव अ पार्शियल ड्रॉप, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ पार्शियल ड्रॉप देन टेक अ ऑनलाइन कोचिंग। प्लीज़ डोंट गो फॉर अ सेल्फ स्टडी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वी आर नॉट सो मच ऑर्गेनाइज कि हम पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी कर पाए, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग लो, उसके साथ मॉक टेस्ट सीरीज भी ले लो, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज भी ले लो, किसी का भी, तुम्हारी स्पेसिफिकेशन है। उसके ऊपर भी एक वीडियो है जो मैंने, मैम अटैच कर दूंगी उस वीडियो को, तुम उस वीडियो को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि तुम यूट्यूब में अगर फ्री में भी पढ़ते हो ऑनलाइन कोचिंग से, यानी कि कुछ ऑनलाइन चैनल से, तो कौन कौन से चैनल है जो तुम्हें फ्री में पूरा का पूरा नीट सिलेबस करवाने वाले हैं। तो उसका भी मैंने एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया है, कुछ दिन पहले ही बनाया है, तो उसे भी मैं थोड़ा सा तुम लोगों को मतलब पिन करके रख दूंगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। Overall, my message to this whole video was that see, this was not your fault whatever happened this year. अगर तुम्हारे marks सच में worth it थे, जैसे कि 620, 630, ठीक है, 610 भी, 610, 20, 30, 640, 650, ऐसे अगर marks थे, I'm so sorry for you कि तुम्हारे साथ तो सच में injustice हुआ है। इस पूरी की पूरी category के साथ बहुत ज़्यादा injustice हुआ है, एंड उसकी राय अभी तक चली जा रही है। सी, रीनीट का चांस बहुत कम है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, रीनीट का चांसेस बहुत कम है, पर रीपब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट कैन बी पॉसिबल। तो रीपब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट अगर पॉसिबल हुआ विदाउट ग्रेस, देन हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों का जो रैंक है वो हट जाए और कुछ बच्चे अपलिफ्ट होके ऊपर की तरफ आ जाए और उन लोगों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कैटेगरी में हो जाए। पर मैं वो उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें 500 के घर पे मार्क्सेस मिले हैं। भाई तुम नहीं सिलेक्ट हो सकते, क्योंकि ये चांसेस बस 600 वालों के लिए है, जो 600+ वालों के लिए है। इसके चांसेस 500 वालों के लिए बहुत कम है, इसके चांसेस 500 वाले के लिए बहुत कम है। तो 500 वाले जो है, या तो 400 वाले या तो 300 वाले, तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि तुम आइदर मैनेजमेंट कोटा में चले जाओ, आइदर तुम NRI पे चले जाओ, अब्रॉड पे चले जाओ, या आइदर अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट सीट चाहिए तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिस इज़ द आइडियल टाइम ऑफ हैविंग द प्रिपरेशन। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम उन लोगों ने लेट किया तो इट माइट हैम्पर आवर सिलेबस कम्प्लीशन, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो टू बी वेरी पर्टिकुलर, अभी अभी जेनेटिक्स का एक बहुत ही मस्त वीडियो आने वाला है, मैंने ड्रॉपर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, फ्रेशर सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो तुम मेरे चैनल पे आके बायोलॉजी चेकआउट कर सकते हो अपने रिविजन पर्पज के लिए, PYQ क्वेश्चंस पर्पज के लिए। फुल एंड फुल वीडियो इज कवर्ड, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से कवर करती हूँ, एंड मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक बार क्लास 12 कंप्लीट कर दिया है, यू कैन चेक आउट दैट फ्रॉम माय प्लेलिस्ट। एंड थैंक यू गाइस, मैंने बहुत कुछ अभी बोल दिया तुम लोगों को, सो आई होप दैट नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ भी ना हो, नेक्स्ट ईयर एवरीथिंग गोज फाइन एंड वी ऑल गेट द चांस एंड वी ऑल बिकम अ डॉक्टर। सो ये चांसेस होए
अगर तुम प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट नाउ. दैट्स ऑल विद यू ऑल गाइज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो विथ मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड गिविंग सच अ टाइम टू मी. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. तो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ये मुझे प्लान में बताओ अपने कमेंट्स में टाइप करके. तब तक के लिए बाय एंड स्टे हेल्दी.